देखी भी है। जी, तो आज से हमारा नया सीजन शुरू हुआ है 2000-2001 का, और पहली मुरली है सीजन की है, और पहली मुरली भी हमेशा इम्पोर्टेंट होती है। बाबा उसमें एक टोन सेट करते हैं पूरे सीजन की। तो बाबा का फोकस क्या है, बाबा क्या हमसे चाहते हैं? पिछले 3-4 मुरली से ऐसे लग रहा है कि बाबा पूरे कंफर्ट जोन से बाहर निकाल रहे हैं सभी बच्चों को। ऐसे पीछे पड़े हैं कि डेट बताओ। तो इसमें ऐसे लग रहा है कि बाबा ऐसे जो कंफर्ट जोन में जाते हैं बच्चे, तो थोड़ा सा बूस्टिंग करते हैं। तो उस तरीके का बाबा का ऐसा रूप लग रहा है कि कुछ भी करके अभी इनको बनाना ही है। तो उस हिसाब से ऐसे लगा कि बाबा हिम्मत भी दे रहे हैं, और जैसे कि सबने कहा कि आप बताइए डेट, तो 6 मास का बाबा ने जो इंटरवल दिया है, और फिर कहा कि दादी दादी की ऑर्डर है तो सुननी पड़ेगी, मतलब इसमें भी दादियों को आगे किया। तो ऐसे लग रहा है कि बाबा जो ऐसे चालू था कि हाँ मुरली है, बाबा मिलन है करके चले जाते थे, लेकिन प्रैक्टिकल कुछ नहीं दिख रहा था। तो ऐसे लग रहा है कि अभी ही कह रहे हैं बाबा, जो अभी के जैसे कल के सेशन में हमने देखा कि अभी 2 महीने ही बाकी है इस साल के, उसका इंट्रोस्पेक्शन किया। तो ऐसा लग रहा था कि बाबा भी कह रहे हैं कि क्या किया आपने अभी तक। तो प्रेजेंट मोमेंट में ऐसा लगा कि अभी बाबा बोल रहे हैं हमसे, हालांकि मुरली है 2000 की, लेकिन ये बहुत अच्छी बात लगी। एक्चुअली यही सत्यता की निशानी ही ये है, इसीलिए कहा जाता है सत अर्थात अविनाशी, अर्थात दैट थिंग इज रिलेवेंट इन ऑल द टाइम्स। तो बाबा ने वो बात कभी भी कही है, वो इतने यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं, लॉज हैं, कि वो हर टाइम ही रिलेवेंट लगते हैं। तो ये सत्य ज्ञान का, सत्य बाप की पहचान भी है। तो बाबा की वो बात है, अभी भी हम सारे यूज कर सकते हैं। और इसमें भी बाबा ने ऐसे डायरेक्टली नहीं बोला कि आप ये हो जाओ, पहले स्वमान में होलीएस्ट हाईएस्ट लकीएस्ट स्वीटेस्ट बच्चों को दिख रहे, उसके बाद कैसे लकीएस्ट है वो भी बताया, कैसे हाईएस्ट है, रिचेस्ट इन द वर्ल्ड है, फिर स्वमान में पहले टिकाया, और उसके बाद फिर बाबा ने वो भी कहा कि बच्चे हंस रहे हैं मतलब समझ गए हैं। तो बाबा ऑपरेशन करने से पहले एनेस्थीसिया देते हैं। फिर इंजेक्शन दे देते। बिल्कुल। तो आज की मुरली में और ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो अदरवाइज मिस हो जाएंगी अगर हम उन्हें फोकस में नहीं लेकर आएंगे तो, और वो सबके फोकस में आनी चाहिए। कोई भी शेयर कर सकता है। होलीएस्ट पे ये जो आते हैं पहले। पिछले हाँ जी, हाँ जी, आप शेयर करें। हाँ होलीएस्ट में बाबा कहते हैं कि आप श्रेष्ठ आत्माएं प्रकृति जीत बन प्रकृति को भी सत्वप्रधान बना देते हो, आपकी पवित्रता की पावर प्रकृति को भी सत्वप्रधान पवित्र बना देती है, इसलिए आप सभी आत्माएं प्रकृति का यह शरीर भी पवित्र प्राप्त करती हो। आपकी पवित्रता की शक्ति विश्व के जड़ चैतन्य सर्व को पवित्र बना देती है, इसलिए आपको शरीर भी पवित्र प्राप्त होता है, आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र, और प्रकृति के साधन भी सत्व प्रधान पावन होते हैं, इसलिए विश्व में होलीएस्ट आत्माएं हो। तो हाईएस्ट भी हो तो क्यों हाईएस्ट हो, क्योंकि ऊंचे ते ऊंचे भगवान को पहचान लिया, ऊंचे ते ऊंचे बाप द्वारा ऊंचे ते ऊंची आत्माएं बन गए, साधारण स्मृति वृत्ति दृष्टि कृति सब बदल कर श्रेष्ठ स्मृति स्वरूप श्रेष्ठ वृत्ति श्रेष्ठ दृष्टि बन गई। किसी को भी मिलते हो तो किस वृत्ति से, तो ब्रदरहुड ब्रदरहुड वृत्ति से,
आत्मिक दृष्टि से, कल्याण की भावना से, प्रभु परिवार के भाव से, तो हाईएस्ट हो गए ना, ये होलीएस्ट और हाईएस्ट का है। आगे लकीएस्ट का बताया बाबा ने कैसे जी, बता सकते हैं आप कि किसी ज्योतिषी ने आपका भाग्य की लकीर नहीं खींची है, स्वयं भाग्य विधाता ने आपके भाग्य की लकीर खींची, और गारंटी कितनी बड़ी दी है, 21 जन्मों की तकदीर की लकीर के अविनाशी की गारंटी ली है, एक जन्म की नहीं, 21 जन्म कभी दुख अशांति की अनुभूति नहीं होगी, सदा सुखी रहेंगे। तो तीन बातें चाहिए होती है, बाबा कहते हैं हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस, तो यह तीनों ही सबको बाप द्वारा वर्षे में प्राप्त हो गया, और गारंटी है ना 21 जन्मों की, इसलिए बाबा कहते हैं लकीएस्ट है। और फिर रिचेस्ट कैसे आगे तो हाँ जी मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ, यह याद रखना भी तो भाग्य है ना, क्योंकि ब्राह्मण के हर कदम में पदम है, तो सारे दिन जब हम बाबा को याद करते हैं तो एक दिन में कितने पदम हो गए। बाबा कहते हैं अभी देख रहे हो ना कि बाप बच्चों को देख के खुश होते हैं कि बच्चे बाप को देख के खुश होते हैं, तो कहते दोनों खुश होते हैं ना एक दूसरे को देख के। तो परमात्मा मिलन, परमात्मा का प्यार का वर्षा, प्राप्तियां, वो अभी इस समय ही होती है संगम पर। तो बाबा ने कहा कि अगर अब नहीं होंगी तो फिर कब होंगी, अब नहीं तो कब नहीं, तो श्रेष्ठ समय को समीप लाओ और याद रखो, डेट फिक्स करो। बाबा ने स्वीटेस्ट के बारे में कुछ नहीं कहा। तो स्वीटेस्ट बाप के बच्चे है इसलिए स्वीटेस्ट। I was thinking कि बाबा स्वीटेस्ट के बारे में कैसे एक्सप्लेन करते हैं, क्या कहते हैं, लेकिन बाबा ने तो अपना चेंज कर दिया एजेंडा। ये मुरली में जो स्वीटेस्ट वर्ड है, तो हम बाप दादा से हमेशा स्वीटेस्ट बाप दादा ही कहकर रुवरियान करते हैं, तो ऐसे लगा जैसे कि बाबा ने रिस्पांस दिया है। अच्छा, जैसे हम ये शब्द सुनते हैं, सर्व संबंधों की सैक्रीन है, इसलिए बाबा ने स्वीटेस्ट कहा। जैसे ये शब्द हम सुनते रहते हैं, होलीएस्ट, हाईएस्ट, रिचेस्ट, लकीएस्ट, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होता है कि इनका असर होना कम हो जाता है या खत्म हो जाता है, लगता है हाँ ये तो हमें पता ही है। तो इसका हम क्या उपाय करें कि इस बात की डेप्थ में हम जा सकें, बाबा ने जो इतनी सुपरलेटिव टर्म्स यूज कर लिए, कितनी बड़ी बात है ये, होलीएस्ट, हाईएस्ट, लकीएस्ट और रिचेस्ट, तो हाउ कैन वी गो डीप। बाबा ने कंपैरिजन भी दिया है ना कि आप होलीएस्ट है तो क्यों है, मतलब दुनिया में भी जो धर्म आत्माएं, मान आत्माएं हैं, उन्हें भी होलीएस्ट कहा जाता है, लेकिन आपको बनाने वाला स्वयं परमपिता है, इसलिए आप होलीएस्ट है। तो कंपैरिजन भी अगर हम सामने रखें तो उसकी गहराई में जा सकते हैं। और एक बात कि ये जो होलीएस्ट हाईएस्ट, ये जो वर्ड है, ये तो बाबा के लिए भी है, क्योंकि बाबा के इतने होलीएस्ट कोई है ही नहीं, और उनसे ऊंचा भी कोई नहीं है, और हम बच्चे उनके बच्चे हैं। तो ये अगर हमें, क्योंकि बाबा बहुत बार कहते हैं कि जो महिमा बाप की है वो बच्चों की है, तो ये भी अगर कॉन्शियसनेस रहती है कि हमारा पिता कौन है और बाबा की सारी जो महिमा है अगर याद रहे, तो भी हम इसको रियलाइज कर सकते कि कैसे हम होलीएस्ट हाईएस्ट है जी। ये बाबा ने सारे सम्मान दिए है ना हमें, होलीएस्ट हाईएस्ट लकीएस्ट, तो इस सम्मान में रहना और इसकी स्मृति रखना, स्मृति पे है कि हमेशा याद रहे, उसके लिए हम मुरली का मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, और जैसे अभी सबका सहयोग मिल रहा है ये मनन चिंतन का,
उससे भी तो फिर याद रहता है ना, अगर रोज क्लास अटेंड करते हैं, सबका सहयोग, बाबा का छत्र छाया में, ये सब कुछ हमें फिर याद रहता है। ओम शांति। यहाँ पे हम ऐड करेंगे, सबके बहुत अच्छे पॉइंट्स लगे, व्यू पॉइंट्स, लेकिन हमें ये समझना होगा ये है क्या चीज। होली इस तो बहुत बाद की बात है, पहले कभी हम सोच सकते थे बाबा के बनने से पहले कि इस विश्व पटल पर जो भी हमने सीखा बचपन से, कहीं होली के आसपास कोई चीज नहीं थी। होली मीन्स हमने होली के ऑपोजिट ही सारी चीज सीखी बचपन से लेके अब तक। देखें तो हमने बहुत सक्सेस पाई, बहुत आगे गए, सब कुछ किया। पेरेंट्स भी कभी चाहते ही नहीं थे वो होली वाला हमें प्रतिबिंब दिखाना। अब क्या है, यदि हमारे बाबा ने सारे संबंधों में हमें जीकर हमें हाईएस्ट होलीएस्ट बोला है, तो हमें समझना पड़ेगा ये हुआ ही पड़ा है, एक दिन होगा, और बाबा उसको पहले से हमें प्लेटर में दे रहे, तो हमें इस बात का नशा होना चाहिए। होलीएस्ट मतलब जो होली भी नहीं सोच सकते थे, होली होलियर होलीएस्ट। तो यदि हम धीरे धीरे इस बात की पकड़न की डीप उसमें जाएंगे कि बाबा मुझे टाइटल दे रहा है, जो बाबा देते हैं वो बिना मतलब नहीं देते हैं, वो 100% वी आर डिजर्विंग, वी वर डिजर्विंग एंड वी आर बिकमिंग डिजर्विंग। तो इस बात का हमें ग्रेजुअली कहते हैं ना, बहुत ज्यादा अपने अंदर सबकॉन्शियस तक पूरा पढ़ाई हमारा यही पवित्रता का ही खेल है एक्चुअली। तो हम धीरे धीरे यदि इसके नशे में आ जाएंगे, समझेंगे, पहले पकड़े इस बात को कि मैं होली हूं, मैं होली बन चुका हूं, मैं होलियर होलियस्ट प्रोसेस में हूँ, होलियस्ट बाप मेरे साथ है, और वो चाहता है मेरी मन बुद्धि बुद्धि जो है ना वो होली हो जाए, मेरा सोचना देखना बोलना एक दूसरे को देखो, मैं आत्मा को देखो। हम क्या करते हैं, कभी हमें अपने उसमें युगल तो नहीं नजर आता, कभी बेटी तो नजर नहीं आती है। तो जब मेरे को होलीएस्ट, तब हमें इसके डीप कॉन्शियस में जाएंगे यदि मुझे चोलों में वो आत्मा दिखाई देगी। तो बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस है, इवॉल्व होना है धीरे धीरे, तभी पक्का रूप से हम अंदर तक उतार पाएंगे इसका मतलब, इसका नशा हुआ ही पड़ा है, और सब मिलकर एक दूसरे के शेयरिंग से भी हम सबको हेल्प मिलती है। ओम शांति। बहुत ही अच्छा। अगर ये स्मृति हमारे में रहने लग जाए कि हम होलीएस्ट हैं, हाईएस्ट हैं, लकीएस्ट हैं, स्वीटेस्ट हैं और रिचेस्ट हैं, तो हमारे बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस आने लगेंगे? यही जो अभी बताया इससे पहले इन्होंने कि सबको आत्मा देखना, ये बहुत बड़ी बात है, ये पहला लेसन भी है कि हम कौन हैं और कैसी आत्मा है, तो ये अंतिम भी है। जैसे मेरा समय बहुत व्यर्थ जा रहा था काफी टाइम से, तो मुझे लगा कि मुझे इस तरह से कुछ चाहिए, तो आपका ये देखा मैंने अव्यक्त वाणी का, और फिर मुझे बहुत ज्यादा सहयोग मिला। व्यर्थ से हम अब समर्थ समय बीतने लगा, तो ये सारा कुछ मुझे अभी, मैं तो बहुत न्यू हूं, मुझे इतना नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत कुछ प्राप्त हुआ। तो इसी तरह से जैसे अभी दीदी ने पहले कहा कि ये हमारा प्रोसेस है जो ग्रेजुअली कंटिन्यू हो रहा है, तो इसी तरह से अब बहुत ज्यादा कुछ दृष्टि वृत्ति जो भी बाबा ने इसमें बताया कि श्रेष्ठ होती जाएगी ना, तो उसी से फिर हमें पता चलेगा कि हमारी कितनी दृष्टि श्रेष्ठ हुई है, हमारी वृत्ति, हमारी कृति, सबको देख हम कैसे रहे हैं, सबको संतुष्टता हमारे में कैसे आ रही है, ये सब कुछ सारे गुण जो है वो आने शुरू हो जाते हैं ग्रेजुअली। लेकिन भी आपने काफी अच्छे से समझ लिया है, आप कह रहे हैं नए हैं, तो आपने ज्ञान कैसे लिया? हाँ जी, मैं करनाल से ना। ओके, तो लॉकडाउन के टाइम आप ज्ञान में आए या उससे पहले? नहीं, आए तो उससे पहले थे, मेरे सबसे बड़े सिस्टर को काफी साक्षात्कार हुए थे, सरदार फैमिली से हैं हम, तो मेरी सिस्टर ने दस्तार सजाई हुई है, तो उन्होंने कहा एक बार गुरु नानक आया था कलयुग में, अब तो और भी ज्यादा कलयुग हो गया, अब कौन है, तो उनको ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार हुआ, उन्होंने हमें बताया, हमें लेके गए, और फिर हमारा इधर ज्ञान बहुत अच्छा लगा। अच्छा, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब जी से निराकार परमात्मा से मिलता है ना सारा, मतलब वहां पे भी निराकार की बात है, यहाँ पे भी निराकार की बात है। तो बाकी सभी का इस बारे में क्या थॉट है कि ये चारों सोमान जो बाबा ने हमें दिए, जब इस सोमान में हम स्थित होने लगते हैं धीरे धीरे,
तो आत्मा के संस्कारों में, शब्दों में, बिहेवियर में क्या क्या चेंज आने लग जाएंगे? जी भाई जी, हम छोटा सा शेयर करेंगे। वो बात तो सही है, यदि हम होलीएस्ट समझेंगे तो हमें आत्मा नजर आएगी, लेकिन ये बहुत हाईएस्ट आपने आगे की स्टेज की बात पूछ ली। आप क्या पूछ रहे हो कि यदि आपको मोस्ट लवलीएस्ट, लकीएस्ट और बिलव्ड बाबा का फील करना है तो आपके बिहेवियर पैटर्न में क्या चेंजेस आएंगे, ये तो बहुत आगे की बात है। तो ये नजर आएगा जो कभी कभी होने लगा है कि हम किसी को आत्मा तो देख पा रहे हैं, लेकिन हमारा मन कर रहा है बिना छुए, बिना उसको हक किए हम उसको डिवाइन हक कर रहे हैं, हम उसको गले मिल रहे हैं और हम ऐसी बात कर रहे हैं जिससे उसके एक पेडेस्टल पर आगे जाए। भाई वो ज्ञान में नहीं है, एग्री, हम क्यों जबरदस्ती उनको ज्ञान में ले, लेकिन हम अपना भाग्य बनाए उनको बाबा के साथ कंबाइंड होकर वो प्यार से गले लगाना, बिना गले लगाए ऐसी बात बोल देना, ऐसी हिम्मत दे देना। वो सब परेशान है अपने सारी दुखों सुखों की दुनिया में भी, कहीं ना कहीं उनको एक बहुत ही अच्छा नशा चढ़ा देना कि यू आर सो ब्यूटीफुल। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल शेयर करेंगे, हमारी मदर लॉ 82 इयर्स ओल्ड है, तो परसों हमने देखा उनके साथ हमारे बिहेवियर बहुत बिटर वाले थे। अब हमारा कोशिश ये रहती है कि जब भी उनसे हमें बात हो तो उनको स्पेशल फील कराते, तो हम बोल रहे थे मामा आप तो जगदम्बा हो, यू आर सो ब्यूटीफुल, अब हेडमिस्ट्रेस लगती हो, तो ऐसी सी बातें की, शी इज सो हैप्पी। तो कब क्या पता सांस आखिरी कब हो जाए। तो जब हम बिलव्ड लकीएस्ट तो हम बाबा की तरह बिहेव करने लगते हैं, जो भी अच्छा भी है खराब भी है सबको हम गले लगाते हैं, बिना गले लगाए अपनी वाइब्रेशन से। ओम शांति। इसमें आज जो बाबा ने कहा कि सतयुग की सृष्टि की जीवन मुक्ति नहीं, संगम युग की जीवन मुक्ति की स्टेज अभी अनुभव करो, तो अगर ये हाईएस्ट, होलीएस्ट, रिचेस्ट आदि ये स्वमान अभी हमें मिले है, ब्राह्मण जन्म की विशेषता है ये, तो बाबा जो कहते हैं कि संगम युग की जीवन मुक्ति की स्टेज का अनुभव करो, तो अगर इसका स्वरूप बन जाएंगे तो वो स्टेज आ जाएगी, संगम युग की जीवन मुक्ति की स्टेज। इसके लिए ये हाईएस्ट, रिचेस्ट, होलीएस्ट, स्वीटेस्ट और जो भी बाबा हमें ये टाइटल देते हैं उसका स्वरूप हमें बनना है, और यही हमारे जीवन का, ब्राह्मण जीवन का सच्चा लक्ष्य है अभी जी। भाई जी, ये भी हो सकता है कि अभी जो संसार में जो सुख है, जो आकर्षण है, उसके ऊपर हम अट्रैक्ट नहीं होंगे, क्योंकि हमें लगेगा हम ही सबसे ज्यादा रिचेस्ट है, होलीएस्ट है, तो ये सुख देखते हुए भी हम कंपेयर नहीं करेंगे उसके साथ, क्योंकि हम तो भगवान ने हमें इतना बड़ा टाइटल दिया है, तो अटकेंगे नहीं दुनिया के सुखों में। बहुत ही अच्छा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का पॉइंट बताया ये, और काफी अच्छे से नोट करने वाली बात है ये। जो बाबा ने कहा ना कि हाईएस्ट का मतलब होता है जो सबसे ऊंचा है, तो जो सबसे ऊंचा है वो उतना ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल भी है, जैसे कोई मालिक होता है वो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी पे होती है, सेवाधारी पे इतनी नहीं होती है, उसने तो किया और साइड हो गया उसको जो बताया गया। तो हम हाईएस्ट है इसका मतलब हम हाईएस्ट बाप के हाईएस्ट बच्चे हैं, तो जो उसने हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है विश्व परिवर्तन की, और उसका एक प्रोसेस भी है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, तो अपनी ये जिम्मेवारी बहुत याद रहती है क्योंकि हम हाईएस्ट हैं, सबसे ऊंचे माना सबसे बड़े, सबके पूर्वज। एक्सेलेंट पॉइंट। हम स्टेज पर हैं, बाबा कहते हैं ना हम स्टेज पर हैं, तो अगर वो बात स्मृति में रहे तो काफी हमारे में अंतर आना शुरू हो जाएगा, प्रोग्रेस होगी और हमें बेटरमेंट आएगी हमारे में। एक्चुअली और एक ना इसका भी बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है रिचेस्ट इन द वर्ल्ड का, जैसे पहले बाबा ने कहा कि आप ब्राह्मण आत्मा है रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हो, तो इस चीज को जब एक्सपीरियंस किया मैं वॉक करने जाती थी तो उस टाइम पे स्वमान की प्रैक्टिस करती थी, तो एक ये भी सीन इमर्ज रखती थी कि मेरे हाथ में ग्लोब है और बाबा से मैं जो भी स्वमान की प्रैक्टिस कर रही हूँ वो सारी एनर्जी ग्लोब को दे रही हूँ। तो धीरे धीरे मुझे फील होने लगा जैसे नौ निधियों का गायन है ना, वो मेरे चारों तरफ चक्र लगा रही है सूक्ष्म में। तो बाबा जो रिचेस्ट इन द वर्ल्ड कहते हैं वो एक्चुअली हम सूक्ष्म में है,
और जब हमें जो चाहिए होता है, चाहे वो कोई रिलेशन है या कोई प्रॉपर्टी है, कोई हेल्प है, वो स्थूल बन के हमारी सेवा में उपस्थित हो जाती है। तो हम रिचेस्ट इन द वर्ल्ड है क्योंकि हमें कभी कोई कमी नहीं होती, हम मन से भी भरपूर होते हैं और समय अनुसार हमें सब चीजें, सब फैसिलिटीज या रिसोर्सेस मिल जाती हैं। वेरी इंटरेस्टिंग, एक्चुअली काफी अच्छा सा पर्सपेक्टिव है, वी हैव नेवर थॉट लाइक दिस। तो अगर इफ यू कैन रिकॉल नवनिधि वो क्या क्या होती हैं, इफ दैट इज रेलेवेंट। मुझे तो बिल्कुल नहीं मालूम कि नवनिधि क्या होती है, लेकिन ऐसा फील होता था चारों तरफ ना कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ प्राप्तियां घूम रही हैं और जब जिस चीज की जरूरत है वो मेरे सामने अवेलेबल है। और सच में ऐसा ही फील होता है लाइफ में, कभी कुछ रुका ही नहीं है। बहुत अच्छा, आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी है। जब हम देते हैं ना किसी को, तो वो मल्टीपल होके हम तक आ रहा होता है, चाहे वो स्वमान के थ्रू दे रहे हैं या दुआओं के थ्रू दे रहे हैं, तो वो ऐसा हो नहीं सकता कि हम दे और वो हमें कोई कमी हो। एक्सेलेंट, किसी का कुछ कहना है इस बारे में? काफी अच्छा पॉइंट रही है। तो ये यही है ना, यही स्थिति जीवन मुक्ति की है, क्योंकि हम चाहते कुछ नहीं लेकिन सब कुछ हमारे पीछे आएगा। लेकिन आज ये जो कहा ना बाबा ने, साधन भी बढ़ेंगे, परिस्थितियां भी आएंगी, विघ्न भी आएंगे, सब आएंगे, लेकिन साधन के प्रभाव से मुक्त रहना है। जो स्थिति अभी हम देख रहे हैं कि साधन घूम रहे हैं आगे पीछे ब्राह्मणों के, लेकिन अब ये भी पेपर आने ही वाला है, तो इससे जितना हम मतलब मुक्त रहकर इसको यूज करेंगे, यही तो जीवन मुक्ति है। ये बहुत अच्छी, क्योंकि बाबा ने कहा संगम युग की जीवन मुक्ति, मतलब यहाँ हम सभी साधन यूज करके उससे डिटैच है और वहां तो ओरिजिनल स्थिति ही होंगी डिटैच की। तो ये संगम युग, इस पे चिंतन चला कि संगम युग की जीवन मुक्ति क्या है। तो ये जो कविता बहन ने कहा यही है संगम युग की जीवन मुक्ति, की सब कुछ अपने पीछे आएगा, हमें उसके पीछे नहीं दौड़ना है। एक मुरली में बाबा ने कहा था कि ब्राह्मणों के पीछे सेवा आएगी, आप कहा सेवा के पीछे भागते हो और ये मैंने किया, ये मैंने किया। जो बाबा ने कहा कि बॉडी कॉन्शियसनेस को बदलना है सेवा की। जी, बहुत ही अच्छा पॉइंट था ये। और क्या पॉइंट्स हैं आज की मुरली में जो हमें डिस्कस करने हैं? भवनी के मरने का भी कहा कि यह नहीं कहना कि हमको तो बहुत मरना पड़ेगा, मरो या जियो लेकिन बनना ही है। यह मरना मीठा मरना है, इस मरने में दुख नहीं होता है, यह मरना अनेकों के कल्याण के लिए मरना है, इसलिए इस मरने में मजा है, दुख नहीं है, सुख है। कोई बहाना नहीं करना है कि यह हो गया इसलिए हो गया, बहानेबाजी नहीं चलेगी, बहानेबाजी करेंगे क्या। तो बाबा ने कहा कि इसमें उड़ती कला की बाजी करना है और कोई बाजी नहीं, न गिरती कला की बाजी, न बहानेबाजी, न कमजोरी की बाजी। जी, अगेन फिर से उस पॉइंट पे आते हैं, पहला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट था। अगर हमें ये स्मृति रहती है कि मैं होलीएस्ट आत्मा हूं, तो इस स्मृति के रहने से हमारे बिहेवियर में क्या क्या चेंज आएंगे? से कोई उल्टा कर्म नहीं होगा भाई जी, मतलब कोई विकर्म नहीं होगा, और कुछ इम्प्यूरिटी जैसे चीजें हमें अटैक नहीं करेगी, क्योंकि हम स्वमान में है कि मैं होलीएस्ट आत्मा हूँ, तो हम दूसरों पर प्रभाव डालेंगे ना कि प्रभावित होंगे। जैसे हम होलीएस्ट आत्मा समझते तो हमारे में हर कर्म करते समय हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम स्टेज पर हैं, हमें सब देख रहे हैं, अलर्ट रहना पड़ेगा, होशियार रहना पड़ेगा।
फिर हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि हम उद्धार मूरत है। बिल्कुल सही बोला, तो हम भी सोच रहे थे, लेकिन जैसे सब एक सिस्टर बता रही थी ना, सब कुछ अवेलेबल होता जाता है यदि स्टेज पे रहते, लेकिन हमें भाई जी हिम्मत जरूर करनी है। ये मैंने बाबा के साथ देखा है कि एक हिम्मत यदि हम करेंगे तो 200% हमें वो आगे ले जाएगा, लेकिन हम हिम्मत नहीं करेंगे तो वो होलियस्ट की फीलिंग भी हमें कोई मिराकल अफेक्ट नहीं कर पाएगी। हिम्मत करके कि हम होलियस्ट हैं उस कॉन्शियस लेवल में, फिर हम एक्टिविटी को अपनी शुरू करें, तो हमें फिर अपने आप ही आता है कि हम तो उद्धार मूर्त है। बड़ा नशा सा रहने लगता है, अच्छा लगता है, मोटिवेटेड रहते हैं होलियस्ट है, तो मतलब ये समझ में आने के बाद ही बहुत लाइट फील होता है, ऐसे लगता है हमें। ये होलीस्ट की स्टेज मतलब सर सबसे ऊंची प्यूरिटी की स्टेज है, तो हमें ये सूक्ष्म में भी जैसे बाबा कहते स्वप्न मात्र भी इम्प्यूरिटी न रहे, तो उस लेवल तक मतलब सबकॉन्शियस माइंड तक हमें देखना होगा कि कैसे हमारे स्वप्न है, उस हिसाब से हमारी स्थिति अभी प्यूरिटी कितनी है, ये हमें चेकिंग करके सूक्ष्म लेवल पर पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तभी हम कह सकेंगे कि हम होलीएस्ट है। और कोई थॉट इसमें है कि जब ये चीजें हमें याद रहती हैं तो नशा रहता है, तो वो जब नशा रहता है कि एंड ये जो होता है ना कि ये हम हैं, अगर अभी इस समय भी हम अपने आप को रियलाइज करके देखें कि अगर हम कम्प्लीटली प्योर हैं माइंड सोल एंड बॉडी बोथ, तो कैसे वाइब्रेशन हमारे पास से जाएंगे, क्या वाइब्रेशन निकलेंगे, एंड देन देर इज नथिंग दैट आई वॉन्ट। एंड जो बाबा कहते हैं ना, जैसे बाबा भी आते, तो बाबा कभी सोचते नहीं है कि क्या मुरली चलाना है, जो उस समय होना है वो अपने आप होता रहेगा, जो ड्रामा में उस समय होना है। और जो बाबा कहते हैं ड्रामा और हमारे संकल्प साथ साथ चलेंगे, मतलब हम सोच रहे हैं और ड्रामा में वही हो रहा है, तो ये जो होलीएस्ट का हम जो स्मृति में रखकर, अगर केवल स्मृति में रखकर नहीं उसको फील भी करना है, जैसे इस समय अगर हम फील करें कि अगर हम कम्प्लीटली प्योर हैं तो क्या हमारे कहीं पूरे बॉडी में कहीं पर भी ब्लॉकेज नहीं है, कहीं पर कोई अवरोध नहीं है, इवन इन द थॉट्स देयर इज नो इम्प्योरिटी टुवर्ड एनीवन, नो ग्रजेस, नो शिकायत, कुछ भी नहीं है, एंड वी आर जस्ट आवरसेल्व्स, मतलब आत्मा आत्मा है बस और कुछ नहीं, तो वो चीज बहुत हाईएस्ट। और जो इसका नशा जो बाबा कहते हैं वो है, और दूसरा वही जो कि हमारे संकल्प और ड्रामा साथ साथ, जैसे बाबा कहते हैं कि नेचुरल नेचर बन जाए, जैसे प्रैक्टिस से नेचुरल नेचर ही बन जाए, इसके लिए कोई एफर्ट ना करना पड़े कि हम होलीएस्ट हैं, इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी धीरे धीरे कि हमारा दृष्टि वृत्ति कृति अपने आप ही होलीएस्ट होगी, क्योंकि हमें याद रहेगा कि हम आधार मूर्त उधार मूर्त आत्मा है। भाई जी आप अपना भी शेयर करें प्लीज, भाई जी आप अपना बताएं आपको क्या लगता है, आत्मिक ब्रदरहुड वृत्ति से और आत्मिक दृष्टि से कल्याण की भावना से हमें देखना पड़ेगा सबकी तरफ, बेसिकली परिवार है हमारा ही, हर चीज का ही प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। क्या हम हमारे सारे इनपुट्स, क्या हम देखते हैं, क्या हम सुनते हैं, क्या हम पढ़ते हैं, क्या हम खाते हैं, क्या हम बोलते हैं, हर चीज का प्योरिफिकेशन होना शुरू हो जाएगा, तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं। और अभी क्या हो रहा है कि बाबा के जो इतने ऊंचे ऊंचे सम्मान दिए हुए हैं उनको हमने शब्दों के रूप में काफी इजीली ले लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन उसकी डेप्थ में नहीं जा पाने का टाइम नहीं मिल पाया शायद किसी को, तो उसकी डेप्थ में हमें जाना है, एक एक सम्मान की क्या गहराई है। बाबा ने इस बारे में भी मुरलियां चलाई हैं कि एक एक सम्मान में जाने से भी क्या क्या होगा, वो हमारे सारे संस्कार इमर्ज हो जाएंगे, तो ये फंडामेंटल प्रैक्टिस है राजयोग की। तो कुछ और रह गया है, और आज
बाबा ने ये निस्वार्थ पुरुषार्थ में जो ओटे वह ब्रह्मा बाप समान कहा। हाँ जी, ये भी अच्छा, ये बात भी अलग लगी। ठीक है जी, अभी समय समाप्त होता है। गगन के पंछी हो तुम, मुक्त गगन के पंछी हो, अब उड़ते ही जाना है। हंसना नहीं किस डाल पर, अब सबको तुम्हें उड़ाना है। तुम मुक्त गगन के पंछी हो, अब उड़ते ही जाना है। हंसना नहीं किस डाल पर, अब सबको तुम्हें उड़ाना है। तुम मुक्त गगन के पंछी हो। तेरे करीब है, राही तुझको थकना नहीं। कितने आए आंधी तूफान, पल भर तुमको रुकना नहीं। मंजिल तेरे करीब है, राही तुझको थकना नहीं। कितने आए आंधी तूफान, पल भर तुमको रुकना नहीं। साथ तुम्हारे परम शक्ति है, साथ तुम्हारे परम शक्ति है। माया को तुम्हें हराना है। हंसना नहीं किस डाल पर, अब सबको तुम्हें उड़ाना है। तुम मुक्त गगन के पंछी हो। सोमान सत्कार से सुखमय ये संसार होगा, मिलके रहो बड़े प्यार से।